सबसे पहले जो एक हादसा हुआ है गोपी नाथ मुंडे जी का, उसका अफसोस है। तो मैं अपने पूरे यूनिट की तरफ से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पूरी स्टार कास्ट की तरफ से मुंडे साहब की फैमिली के लिए, उनकी दो बेटियों के लिए, तीन बेटी हैं उनके लिए सहानुभूति देता हूँ। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एंड इट वाज अ वेरी ट्रैजिक डेथ। तो मैं अभी उससे ही मतलब वो न्यूज़ से ही नहीं बाहर आ पाया हूँ, और पता चला कि इधर आज मीडिया मीट है। तो हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री में कहावत है कि द शो मस्ट गो ऑन, सो द शो इज़ गोइंग ऑन। और मेरा जो रोल है इस फिल्म में, ये टैलेंट ढूंढता है और बड़ा अजीबोगरीब रोल है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, तो ये टैलेंट ढूंढता है और इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आती है जो एक छोटे परिवार से है, लेकिन ये ड्रेस डिज़ाइनर है। इसकी नज़र में ये लड़की आती है, और कैसे एक छोटी सी लड़की को, एक छोटी फैमिली की लड़की को एक बार डांसर बनाता है और फिर बहुत बड़ा स्टार बनाता है। और वो लड़की इतनी बड़ी स्टार बन जाती है कि वो सपनों की दुनिया में चंद चीज़ें भूल जाती है, और फिर एक दिन उसके पास आता है और उसको याद दिलाता है कि ज़िंदगी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। सपनों की दुनिया जब टूटती है तो बहुत बुरी तरीके से टूटती है। एनीवे, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, ऑलमोस्ट टचिंग अ ट्रू स्टोरी व्हाट द फिल्म इज। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि राखी जी, मुझे पता नहीं था इस फिल्म में है, तो मुझे कल रात को पता चला, काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुरू से।